गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम नीलिमा मल्लिक। टुडे आई विल टीच यू मैथ ऑफ क्लास 1 चैप्टर 5। टॉपिक इज नंबर्स फ्रॉम 10 to 20। यहाँ बताया गया है 10 से लेके 20 तक नंबर बताया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कुछ स्टिक्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 को एक स्टिक को 10 स्टिक को एक जगह कलेक्ट करके इसको बंडल बना दिया गया है। और इस बंडल में कितना स्टिक है, तो 10 स्टिक्स है। ठीक है, ये हो गया ए बंडल ऑफ 10। ठीक है, इससे नीचे यहाँ पर हम देखते हैं जो कुछ ये है, क्या बोलते हैं उसको, चेरीज हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और इसको कलेक्ट करके एक बंडल बना दिया गया है और इस बंडल में 10 है। ठीक है, इसलिए कहा गया है ए बंडल ऑफ 10। इससे नीचे देखते हैं जो कुछ मैच स्टिक्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 मैच स्टिक्स को एक जगह कलेक्ट करके इसको एक बंडल बना दिया गया है, इसमें 10 स्टिक्स हैं। ये हो गया ए बंडल ऑफ 10, इस बंडल में 10 स्टिक्स हैं। और यहाँ हम देखते हैं कुछ बनानाज हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये सारे बनानाज को एक जगह कलेक्ट कर दिया गया या बंडल बन गया 10 का। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि ये बंडल किस तरह से बनाया जाता है। इससे नीचे दिया गया है मेक ए ग्रुप ऑफ 10। यहाँ एक ग्रुप बनाना है, उस ग्रुप में 10 रखा जाएगा, 10 का ग्रुप होगा और 10 के बाद जो होगा उसे निकाल दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं जो एक वेजिटेबल है, टर्निप है, शलगम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यहाँ 14 ये है टर्निप है, इसमें से 14 में से 4 को निकाल दिया गया है तो ये बचा 10। ये ग्रुप हो गया 10 का। ठीक है, ये 10 का ग्रुप हो गया। और यहाँ देखते हैं कुछ आइसक्रीम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस 12 में से अगर 2 को निकाल देते हैं तो इसमें कितना बचेगा, 10 बचेगा। और फिर जा कर के ये ग्रुप हो जाएगा 10 का, इसमें भी 10 ही है, ये ग्रुप 10 का बनाना है। इससे नीचे देखते हैं कुछ शीशे का जार है, यहाँ पे जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 में से अगर 3 को माइनस कर देते हैं, 3 को निकाल देते हैं तो ये कितने का हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 10। तो ये ग्रुप हो जाएगा 10 का। ठीक है, यहाँ कुछ लीव्स हैं, पत्ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ 16 लीव्स हैं, पत्ते हैं। 16 में से अगर 6 को निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं तो ये बच जाएगा, यहाँ पे 10 बच जाएगा, ये ग्रुप हो जाएगा 10 का। ठीक है, ये ग्रुप भी 10 का है, ये ग्रुप भी 10 का हुआ। इससे नीचे देखते हैं कुछ ट्रॉफीज हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 19 में से अगर 9 निकाल दे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अगर इसको इसमें से 9 निकाल दे तो ये यहाँ बचेगा कितना, 10 का बचेगा, ये 10 बचेगा, जो एक ग्रुप बन जाएगा, 10 का ग्रुप बन जाएगा। और इसे बनाना ही है मेक ए ग्रुप ऑफ 10, 10 का ग्रुप बनाना है, जो कि ये बना चुकी हूँ। ठीक है, इससे नीचे देखते हैं, यहाँ लिखा है जो फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरना है। यहाँ पे 9 है, 9 स्टिक्स हैं और इसमें प्लस किया गया 1, तो 9 में 1 प्लस करने से 10 होगा, जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और इससे नीचे लिखा हुआ है 10 प्लस 1,
टेन प्लस वन, तो टेन में वन प्लस करेंगे तो एलेवन होगा। इससे नीचे देख रहे हैं टेन में टू प्लस किया गया है, करना है तो टेन में टू प्लस करने पे क्या हुआ, ट्वेल्व हो गया, जो कि पहले से लिखा हुआ है। इसके नीचे देख रहे हैं यहाँ पे टेन है, इसमें थ्री प्लस किया गया है, तो टेन में ये बंडल है टेन का और यहाँ थ्री स्टिक्स हैं, तो इसमें टेन में थ्री प्लस करने पे ये थर्टीन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो, यहाँ एक बंडल है टेन का है, यहाँ फोर है, यानी फोर स्टिक्स डालना है, वन टू थ्री थ्री फोर। ठीक है, तो टेन में फोर प्लस करेंगे तो फोर्टीन हो जाएगा, तो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ इससे नीचे देख रहे हैं, यहाँ भी दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरना है, तो टेन में फाइव प्लस करने पे फिफ्टीन हो गया। ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी है टेन, टेन में सिक्स प्लस करने से कितना हुआ, एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, जो यहाँ पे सिक्सटीन लिख देंगे। और इसे हम नीचे देख रहे हैं टेन प्लस सेवन, यहाँ पे सेवन स्टिच डालना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो टेन में सेवन प्लस करने से सेवनटीन होगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ इससे नीचे देखो, टेन में एट प्लस करने पे कितना हो गया, एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन, एटीन यहाँ पे एटीन हो गया। और यहाँ इससे नीचे देखते हैं टेन में नाइन प्लस करेंगे, तो टेन में नाइन प्लस करने से ये नाइनटीन होगा, जो लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके नीचे देख रहे हैं जो टेन है, तो टेन में प्लस किया गया है टेन, तो टेन टेन ट्वेंटी हो गया, यहाँ पे ट्वेंटी लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया है कि मेक ए ग्रुप ऑफ टेन एंड राइट नंबर्स, इसमें टेन का एक ग्रुप बनाना है और इसमें नंबर लिखना है। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कुछ आइसक्रीम रखा हुआ है, जो कि थर्टीन आइसक्रीम्स हैं, जिसमें कि यहाँ लिखा गया थर्टी, और उस थर्टी में वन टेन होगा और ये थ्री ऑन्स होगा, जो कि लिखा हुआ है। यहाँ कुछ लालटेन्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, यहाँ पे फिफ्टीन लिख देना है। ठीक है, अब फिफ्टीन में से इसमें फाइव निकाल देंगे तो कितना बचेगा, टेन बचेगा, फिफ्टीन में फाइव निकाल देने पे ये टेन बच जाएगा। और ग्रुप बनाना है कितने का, तो टेन का बनाना है, फिफ्टीन में इसमें वन टेन होगा और यहाँ फाइव ऑन्स होगा, यहाँ फाइव लिख दी। ठीक है, अब इससे नीचे देखते हैं कुछ ऑनियंस हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन, तो एटीन है टोटल, कितना है, तो टोटल एटीन है। एटीन में से अगर एट को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, टेन बचेगा, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, चलिए इसको एट को निकाल दिए तो कितना बचा, तो इसमें अब टेन बचा। ठीक है, इसमें टेन बचा, तो यहाँ पे एटीन में वन वन टेन होगा और ऑन्स कितना बचेगा, एट बचेगा, जो यहाँ लिख दिए। ठीक है, यहाँ कुछ बास्केट्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन, यहाँ टोटल है नाइनटीन। ठीक है, इस नाइनटीन में अगर नाइन को निकाल दिया जाए तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, चलिए नाइन को निकाल दें। ठीक है, तो कितना बचा, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, यहाँ तक निकाल दिए, तो इसमें कितना बचा, इसमें इसमें टेन बचा। तो ये, और यहाँ पे नाइनटीन में वन टेन होगा और यहाँ पे ऑन्स में नाइन लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम बना रहे हैं मेक ए ग्रुप ऑफ टेन एंड राइट नंबर्स।
तो एक ग्रुप बना करके, 10 का ग्रुप बना करके इसमें फिर नंबर भी लिख दिया गया है। ठीक है, इससे नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे है मेक ए ग्रुप ऑफ 10, इसमें भी 10 का ग्रुप बनाना है। इसमें टोटल है कितना तो देखते हैं, जो इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी टोटल यहाँ पे 11 है, और 11 में 110 होगा, और ओंस कितना बचेगा तो 1 बचेगा, और 11 में से अगर 1 को माइनस कर दे, निकाल दे, तो ये 10 का ग्रुप हो जाएगा। ये ग्रुप कितने का होगा, 10 का ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं प्रोसीजर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहाँ पे 16 है, टोटल 16 है, तो 16 में 10 हो गया 1, ओंस कितना बचा तो 6 बचा, और 6 को अगर माइनस कर दें, चलिए 6 को माइनस कर दें, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ से यहाँ कर दे, तो ये कितने का ग्रुप हो गया, 10 का ग्रुप हो गया। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि कुछ केतली रखा हुआ है, जो कि इसमें चाय बनाया जाता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये टोटल 13 है, 13 में ये 110 होगा, और ओंस कितना बचा तो 3 बचा, और इसमें अगर 3 को माइनस कर देते हैं, 3 को निकाल देते हैं, तो ये 10 का एक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, देखो इससे नीचे कुछ एक्स रखा हुआ है, ये कुल्हाड़ी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ टोटल 14 है, यहाँ पे टोटल 14 है, और इसमें 10 हो गया 1, 14 में 10 1 होगा, और ओंस कितना बचा तो 4 बचा, चलिए इसमें से अगर 4 को माइनस कर दें, 1, 2, 3, और चलिए 4 को अगर माइनस कर दें, तो कितना बचा, ये 10 का ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बच्चों तुम लोग इस तरह से ग्रुप कैसे बनाते हैं, तुम लोग देख लिए। ठीक है, अब यहाँ दिया गया है कंप्लीट द टेबल, इसमें जो भी लिखा हुआ है टेबल है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे लिखा है 110 = 10। ठीक है, और इसमें 10 10, इस बॉक्स में 10 10 भरना है, ये स्पेस कम रहने के कारण लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तुम लोग अपने बुक में बढ़िया से इसको भर लेना। ठीक है बच्चों, चलो मैं यहाँ भर दे रही हूँ, लेकिन तुम लोग बढ़िया से इसको भर लेना, इसमें 1010 करके लिखना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे दिया गया है 110 110 और 1 ओंस, यानी क्या 10 में अगर 1 प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना होगा 11, और इस बॉक्स में 11 11 लिखना है। ठीक है, सारे बॉक्स में बढ़िया से तुम लोग 11 11 लिख करके भर लेना। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे, लिख करके इसको कंप्लीट कर लेंगे बढ़िया से। इससे नीचे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है 110 110, और इसमें इस 10 में, यहाँ पे इस 10 में अगर 2 को प्लस करते हैं, तो क्या होगा, 110 2 ओंस = 12, 10 में 2 प्लस करेंगे तो 12 होगा। ठीक है, और जितना भी बॉक्स है इसमें 12 12 लिखना है, स्पेस कम रहने के कारण इसमें लिखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए तुम लोग इसमें 12 12 लिख लेना। ठीक है, चलो बच्चों अब इससे नीचे देखते हैं, यहाँ दिया गया है 110 3 ओंस, यानी 10 में 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 13 13 होगा। चलिए इस बॉक्स में 13 लिख लेंगे, सारे बॉक्स में 13 लिख के इसको कंप्लीट करेंगे, यहाँ लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है बेटे, चलो इसमें इससे नीचे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया है 110
और फोर वंस यानी 110 में अगर 4 प्लस करेंगे तो 14 होगा, और जितना भी बॉक्स है इस सब में 14 लिखना है। ठीक है बच्चों, तो तुम लोग इसमें 14 लिख के भर देना। और यहाँ दिया गया है 110 और 5 वंस यानी 110 में 5 को प्लस करेंगे तो 15 होगा, और सारे बॉक्स में 15 लिख देना है, लिख करके इसको भर देना है। ठीक है, समझ गए तुम। इससे नीचे देखो, यहाँ दिया गया है जो 110 में अगर 110 में अगर 6 प्लस करते हैं तो 16 होगा, और जितना भी बॉक्स है सब में 16 लिखना है, सब में इस सब में 16 लिखना है। बढ़िया से इसमें तुम लोग लिख के भर लेना। यहाँ पे दिया गया है 110 7 वंस यानी 10 में 7 प्लस करेंगे तो 17 होगा, और इस सारे बॉक्स में 17 लिखना है। ठीक है बच्चों, तुम लोग इसमें 17 करके लिख के भर लेना। ठीक है, अब इससे नीचे देखते हैं 110 में अगर 8 वंस जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो 18 होगा। ठीक है, और सारे बॉक्स में 18 लिखना है। ठीक है, इसको तुम लोग 18 इसमें लिख लेना। ठीक है, चलो अब इससे नीचे देखते हैं द कंप्लीट द टेबल, ये भी इसी तरह से बनेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे है 110 9 ऑन्स, अगर 110 में 9 प्लस करेंगे तो 19 होगा, और यहाँ जो खाली जगह है जो बॉक्स बना हुआ है इसमें 19 लिखना है, सब में 19 लिख करके इसको भर देना है। ठीक है, और यहाँ नीचे देखो 110 और 110 यानी 2 टेंस हो गया, 2 टेंस इक्वल टू 20, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इस खाली जगह में 20 भरना है। ठीक है, जो तुम लोग इसको भर लोगे। ठीक है, स्पेस कम होने पे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, चलिए अब इससे नीचे देखते हैं, यहाँ दिया गया है टिक द ग्रुप विथ मोर ऑब्जेक्ट्स, जो ज़्यादा है, यहाँ दो साइड में दो ग्रुप बना है और इस ग्रुप में ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स है उसमें टिक लगाना है। तो यहाँ देखते हैं कुछ पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे 14 है, इस ग्रुप में 14 है, और इस ग्रुप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे 13 है। ठीक है, तो 13 से ज़्यादा 14 होता है, इसलिए इसको इसमें टिक लगा दिए। देखो यहाँ कुछ लीव्स हैं, पत्ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ भी 14 है। ठीक है, और यहाँ काउंट करके देखते हैं आखिर कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे 16 है। ठीक है, तो 14 से ज़्यादा 16 होता है, ये ज़्यादा हो गया इसलिए इसमें टिक लगा दिए। चलिए अब यहाँ देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें 15 है। ठीक है, 15 बॉल्स हैं, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इसमें 11 है, तो 11 से ज़्यादा 15 होता है इसलिए इसमें टिक लगा दिए। ठीक है, देखो यहाँ कुछ मैंगोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसमें 17 है। ठीक है, और यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यहाँ पे 19 है, टोटल इसमें 19 है यहाँ पे इसमें। ठीक है, तो 17 से ज़्यादा 19 होता है, 19 ज़्यादा हुआ इसलिए इसमें टिक लगा दिए। ये कह रहा है टिक द ग्रुप विथ मोर ऑब्जेक्ट्स, जिस ग्रुप में दोनों साइड दो ग्रुप है जिसमें ज़्यादा है उसमें टिक लगाना है। चलो मैं इस सब में मैं लगा दी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देख रहे हैं जो कुछ लिखा हुआ है, ज्वाइन इन ऑर्डर,
इसमें ऑर्डर में ऑर्डर के साथ इसमें कुछ लिखना है, क्रम में लिखना है। जैसे वन के बाद टू होगा, टू के बाद थ्री होगा, और थ्री के बाद यहाँ पर देखो यहाँ पे है फोर फाइव सिक्स सेवन एट। चलिए यहाँ हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19। ठीक है, फिर जा करके इधर से मुड़ गया। चलिए तो ये क्या बन गया, ये लिखा गया फाइव, ये फाइव लिखा गया। ठीक है, देखिए फिर से देखो यहाँ पे फाइव लिखा जाएगा, ये इसमें ये फाइव हो जाएगा। देखो जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, चलो फिर उसके बाद इसको इस तरह से डबल करके घुमा दिया गया। ये क्या हो गया, ये फाइव लिखा गया। इसे तुम लोग इस तरह से ऑर्डर में जब मिलाओगे तो ये फाइव लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, अब तुम इससे आगे अब मैं दूसरे नेक्स्ट डे पढ़ाऊँगी। ठीक है, अब नेक्स्ट डे।